हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 10 और हम लोगों का नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाहर धूप में बैठे हुए हैं। देखिए आज बाहर मौसम कैसा हो रखा है। मम्मी भी आ गई बाहर, ये देखिए मम्मी को बाल बना रही है मम्मी। ये देखिए आज बाहर कुछ ऐसा अमरूद के पेड़ में इतने सारे अमरूद लगे हुए हैं, बराबर में आम का पेड़। और ये मम्मी पत्थर मार रही है चिड़ियाओं को। ऐसा क्यों कर रहे हो मम्मी? और सामने पपीता का पेड़ भी है। चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही हैं। जितनी आवाज़ आ रही है उतनी चिड़ियाँ दिख थोड़ी रही हैं। ये मम्मी सारी चिड़ियाओं को भगा रही हैं पेड़ से, क्योंकि आधा आधा अमरूद सब खा देती हैं चिड़ियाँ। भगा दिए मम्मी ने सारी चिड़ियाओं को पेड़ से। ये देखो मम्मी लग गए हैं काम पे, आज घर के आगे की सफाई कर रही है मम्मी। अभी तक हम लोग बाहर धूप सेक रहे थे और ये देखो मम्मी फिर से अपनी धराती कुदाल सब लेकर के आ गए और इस तरीके से अब आज आगे की सफाई पे लगे हुए हैं। ये देखो पूरा घास ही घास हो रहा था ना आगे, तो फिर मम्मी लग गए। ये पारिजात का पेड़ है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं। आते रात को होते हैं और सुबह के टाइम पर झड़ते हैं, उनकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो आजकल तो होते नहीं है पारिजात के फ्लावर्स, तो थोड़ा सा इनकी कटिंग करके रखी हुई है। ये देखो मम्मी इसके चारों ओर साफ़ कर रहे हैं। आप क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा, ये घर के आगे से नीम का पेड़। इधर बहुत घास ही घास हो रखा है। कब तक करोगे इतना? वही तो कह रहे हैं, इधर तो इस साइड को तो बहुत घास हो रखे हैं, मत लगो इतना। देखो अभी मम्मी कुदाल से घास काटने पे लगे हुए थे और अब झाड़ू लेकर के आ गए हैं और अब झाड़ू मार रहे हैं। जितना भी घास वास काट रखा था अब उनको झाड़ू मार करके साइड कर रहे हैं। देखो कितना साफ हो गया। लो हो गया मम्मी का कुदाल से भी काम, झाड़ू से भी काम। अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं मम्मी, बालों में तेल लगा रहे हैं। कितने देर तक के लिए ये रेस्ट? बिजलू की सुबह। ये देखो बिजलू सुबह हो गई। ये देखो क्या है बिजलू, क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है बिजलू, मुंह हाथ धोने पे लगा हुआ है क्योंकि अभी उठ करके आ रहा है। ये बिल्कुल टाइगर जैसा लग रहा है हमारा बिजलू। आखिर ये जा कहाँ रहा है? ये तो रोड क्रॉस कर रहा है। ये देखो ये हो गया ना ये लोटपोट बिजलू। अब ऐसे आना तू अंदर। हाँ ये तो सीधे जाए जा रहा है भाई। इस वक्त मैं हूँ किचन में और बना रहे हैं हम लंच। दाल ऑलरेडी बन चुकी है और अभी बन रहा है चावल। तो जब तक हम लोगों का ये चावल बनता है तब तक मैं बना लेती हूँ कुछ सैलड। तो आज तो हम लोग थोड़ा लेट ही करेंगे लंच, बिकॉज पहाड़ से आ रही हैं हमारी मौसी जी, तो साथ में ही करेंगे लंच। तो अभी तक इसीलिए हम लोग थोड़ा धूप में बैठे थे, थोड़ा आज धूप भी ज़्यादा तेज वगैरह है नहीं, तो ऐसे ही थोड़ा रेस्ट वगैरह करा और थोड़ा लेट लेट खाना पीना बना रखा है हमने। तो जब तक मौसी आते हैं तब तक वेट करेंगे, फिर हम लोग साथ में लंच करेंगे। देखिए सैलेड भी तैयार है और कुकर की सीटी भी आ रही है, यानी कि अब हमारा चावल भी बन के रेडी हो चुका है। मैं कर देती हूँ गैस का बंद, बस अब इंतजार है मौसी का कि मौसी कब पहुँचते हैं। जब मौसी पहुँचते हैं होगा तो देखते हैं मौसी कितने देर में पहुँचते हैं। सो लंच तो मैंने बना लिया है, बट अभी मौसी का पता नहीं है कि वो कब तक पहुँचेंगे, बट लंच हम साथ में ही मिलकर करेंगे। तो फ्रेंड्स दो तो ऑलरेडी बज चुके हैं, तो मुझे लेट हो जाएगा ट्यूशन पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं क्या करती हूँ जब तक मौसी आते हैं और हम लंच करते हैं उससे पहले ही मैं आज अंदर रूम में पूरे दरी वगैरह बिछा देती हूँ।
उसके बाद देखते हैं मौसी कब तक पहुंचते हैं, वेट करते हैं मौसी का, पहले मैं अपने ये काम निपटा देती हूँ। तो मैंने तो ये दरी वगैरह सब बिछा दिया है नीचे, अब मौसी लोग भी पहुंचने वाले हैं। इस समय मैं बैठी हूँ बाहर धूप में, और ये देखो ये बिजलू भी बैठा हुआ है साथ में। बिजलू उठ गया तू है, उठ गया। ये देखो आ गए मम्मी लोग भी, पहुंच गए मौसी। मम्मी गई थी लेने के लिए मौसी को रामनगर, अब आ गए दोनों साथ। चलो चलते हैं, मिलते हैं मौसी से। आ गई फाइनली मौसी जी, पहुंच गए। मौसी आए हैं चौखटिया से, ये हैं हमारी चौखटिया वाली मौसी। वैसे तो मम्मी की सिस्टर हैं ये, बड़ी दीदी हैं, जीवे बोलना चाहिए, हम मौसी बोलते हैं। मौसी जी कैसे हो? ठीक है छू। तबियत पानी सब कैसी है? अपना खजाना खोलना भी शुरू कर दिया है, देखते हैं मौसी क्या क्या लाई है। ये देखिए दोनों बहनें मिल गए हैं, और देखो आए हुए 10 मिनट नहीं हो रखा है, और ये देखो भरत मिलाप चल रहा है अभी इन लोगों का, बैठ करके अभी से स्टार्ट हो गए हैं। ये नहीं कि लंच लुंच कर लें 3 बज गए हैं, लंच नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम करेंगे पहले लंच, उसके बाद बनाते हैं आगे का ब्लॉग। पहले थोड़ा सा मौसी रेस्ट कर ले, मुंह हाथ वगैरह धो लें, फिर लंच करते हैं। मौसी हमारे लिए लाए हैं क्या? घुघुत, घुघुत लाए हैं, मिठाई लाए हैं, और भी बहुत सारी चीजें लेकर के आ रखे हैं, जिसे हम खोलेंगे बाद में आराम से। ये देखिए पहले तो यहीं पर मौसी ने खोल करके सारी चीजें ऐसे ही रख दी हैं। अभी और भी 2 बैग हैं, वो भी देखेंगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, आ गए हैं मौसी भी। इतनी देर से तो मौसी का वेट हो रहा था कि मौसी आएंगे तो साथ में लंच करेंगे। तो चलिए अब करते हैं लंच, फिर बनाते हैं आगे का ब्लॉग। हमारा लंच हो चुका है, अब ये देखो मौसी लग गई हैं, ये देखो अपना बैग वगैरह खोलने में, और जो जो लेकर के आ रखे हैं ये वो सारी चीजें निकाल रहे हैं। तो चलो देखते हैं मौसी क्या क्या लेकर के आए। उस समय तो मौसी ने सिर्फ एक ही बैग खोला था, असली बैग तो अब खुल रहे हैं। तो चलो देखते हैं। ओह बिजलू भी आ गया देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स मौसी ने तो पूरी दुकान ही खोल दी है। पहाड़ी नींबू और मेथी और वो क्या है, पपीता, रीठा। मौसी तो पहाड़ के सारी सब्जियां ही ले आई हैं। ये बिजलू क्यों रो रहा है तू? ये देखो ये चावल, हाँ चावल का आटा भी लाए हैं मौसी। इस कट्टे में क्या है मौसी? अच्छा मडवा, ये क्या है? ये है गिलोई। ये कौन सी दवाई है? ये देखो ये हरड़, ये भी दवाई है, जड़ी बूटी, पहाड़ ये सब पहाड़ी जड़ी बूटियां हैं। हाँ रीठा भी लेकर के आए हैं मौसी जी। ये देखिए मौसी तो पहाड़ के सारी पहाड़ी चीजें ले आए हैं, मिठाई विठाई सारी चीजें लेकर के आ गई हैं मौसी। अब मैं जाती हूँ अपने रूम में और बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, और देखिए कुछ बच्चे आ चुके हैं, कुछ आना बाकी हैं। तो फिर अब मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन, और आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।